हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो हमारा जो डिस्कशन है, आज हम लोग डिस्कशन शुरू कर रहे हैं 8 फेब 2020 के न्यूज़पेपर्स पर। इसमें मैंने आज जो है द हिंदू लिया है, और आपका इंडियन एक्सप्रेस जो है वो लिया है, आपका मिंट से कुछ न्यूज़ ली हैं, देन मैंने आपका हिंदी का जो दैनिक जागरण है उसी से भी कुछ मैंने न्यूज ली है, क्योंकि उसमें भी कुछ न्यूज आपकी आ जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर हम लोग। चल, पहला खबर आपका ये रहा, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले जेएनके में आपका क्या आया था, यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन आया था, है ना। अब दोबारा हम नाउ सेकेंड टाइम जो है हम फिर से यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन को क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर आए। ठीक है, और जम्मू कश्मीर आके ये देखें क्या वहां पे जो नॉर्मेलिटी है वो किस हद तक आई है, एंड व्हाट आर द स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज बाय द डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देखो तो इसमें क्या है, द गवर्नमेंट इज मेकिंग प्रिपरेशन टू ऑर्गेनाइज अ सेकेंड विजिट ऑफ डिप्लोमैट्स। ठीक है, और इसमें इस बार जो है पॉसिबिलिटी है 20 से लेकर 25 जो डेलीगेट्स हैं वो आपके आए। ठीक है, और इसमें खास तौर पे ये होगा कि जो CAA है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, शायद उसको लेके भी इनकी बात हो हमारी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका ये रहा, सुप्रीम कोर्ट नॉट इन अ हरी टू हियर गवर्नमेंट प्ली ऑन एग्जीक्यूशन। जो आपके निर्भया के जो चारों कल्प्रिट हैं, ठीक है, निर्भया के जो चारों फोर आपके जो कल्प्रिट हैं उनको डेथ पेनल्टी के लिए अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट है उसको अभी कोई ऑर्डर देने में जल्दबाजी करने से मना किया है। ठीक है, क्योंकि जो आपका डेथ वारंट होगा वो आपका जो लोअर कोर्ट होगा वही इशू करेगा। ठीक है, और देन उसको सर्टिफाई कौन कर देगा, आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो आप कह सकते हो कि एक ऐसा मामला है जो कि बहुत ज्यादा आपका लंबा खिस्ता जा रहा लगातार। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या बन सकते हैं, एक तो पार्डन पावर्स ऑफ दी व्हाट प्रेसिडेंट। ठीक है, एक रिवाइज कर लेना, अगर आप में से किसी को याद हो तो पांच तरह की पार्डन पावर होती है। पहला होता है पार्डन, फिर आपका क्या होता है रिमिशन, फिर क्या होता है रिस्पाइट, ठीक है, फिर क्या होता है कम्यूटेशन, है ना, कम्यूटेशन होता है। ठीक है, पार्डन हो गया, रिस्पाइट हो गया, रिमिशन, कम्यूटेशन, ठीक, और एक पांचवी आप सर्च करना कौन सी पावर है। ठीक, तो ये पांच पार्डन पावर एक बार रिवाइज कर लेना। दूसरा आपका ये जो पार्डनिंग पावर है ये प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करता है, एडवाइस करता है, तभी करता है। चलो, हम यहां से ये तो क्वेश्चन जो मिला वो पार्डनिंग पावर है, वो प्रेसिडेंट कर लेना एक बार। ठीक, नेक्स्ट हम स्लाइड लेते हैं। ठीक, ये खबर भी आपकी 2019 की खबर है, जिसको ये वर्ड आपने सुना होगा 2019 अखबारों में, दैट इज कॉल्ड रैट माइनिंग। ठीक है, ये रैट माइनिंग वाला न्यूज था, क्योंकि आपके कहां मेघालय में आपके रैट माइनिंग करते करते काफी जो आपके इलीगल माइनर्स थे वो आपके माइंस में रह के ही क्या हो गए थे, मर गए थे। ठीक है, ये आपका मेघालय की बात थी। ठीक, और खास तौर पे कहां की ये घटना थी मेघालय के अंदर, तो आप लोग को याद होगा वो थी आपकी घटना ईस्ट जैंतिया हिल। ठीक है, ईस्ट जैंतिया हिल्स। ठीक है, तो उसको क्या क्या, अगर न्यूज को पढ़ो आप, मेघालय टू कंडक्ट स्पेशल प्रोग्राम फॉर ग्रांटिंग कोल माइनिंग लाइसेंस, यानी कि सरकार ही चाहती है कि लोग इलीगल तरीके से रैट माइनिंग ना करें या कोल की माइनिंग ना करें, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वो लोग जाएं माइनिंग करने के लिए, प्रॉपर गैजेट्स लेके जाएं, प्रॉपर सिक्योरिटी लेके जाएं, और अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उनको उसका बकायदा कंपनसेशन मिले, क्योंकि रैट माइनिंग में उनको कुछ ऐसा कंपनसेशन मिलता नहीं था। ठीक, अच्छा, यहां से जो मुझे लगता है क्वेश्चन एक आ सकता है, एक तो रैट माइनिंग के बारे में कहां पर रहा न्यूज में, तो बड़ा सा है मेघालय टिकर के आगे। दूसरा गारो, फिर खासी, और फिर जिसके बारे में बात हो रही है आपकी जैंतिया। ठीक है, इन तीनों हिल्स के बारे में आप लोग पढ़ लेना, तो ये आपका ज्योग्राफी का असाइनमेंट हो गया। तो मुझे लगता है कि यहां से कोई क्वेश्चन आ सकता है, या रैट माइनिंग या मेघालय से आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपकी स्लाइड लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड आपकी ये रही
कि ड्यू टू दी कोरोना वायरस, ठीक है, ड्यू टू दी कोरोना वायरस आपका जो साउथ ईस्ट एशिया है, यानी कि हमारा ये ऐसे अगर हम इंडिया मान के चले तो यहां की हम बात करें, जितनी भी यहां की कंट्रीज हैं, ये आपका क्या हो गया साउथ ईस्ट एशिया, यहां पर बहुत बुरी तरीके की, ये ऊपर आपका क्या हो गया चाइना हो गया यहां पर, ठीक है, और यहां से नीचे ये वाला पार्ट हो गया, तो यहां पर बहुत बुरी तरीके से आपका क्या हो रहा है कि जो केसेस हैं वो फैलते आ रहे हैं। अभी तक जो है 26 कंट्रीज में इसके केसेस मिल चुके हैं, और उसी की वजह से ये साउथ ईस्ट में भी जो क्या हो रहा है कि आपका जो टूरिज्म है, जो बिजनेस है, वो बहुत सीवियरली अफेक्ट हुआ है, लोग जाना वहां पसंद नहीं कर रहे हैं। तो वही न्यूज में भी है। चलो अगला न्यूज देखते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखो इस न्यूज जो है लगभग 90% पॉपुलेशन जो है वो टाइगर्स, ये आपकी सॉरी पैंथेरा जो होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं लेपर्ड बोलते हैं, ठीक है, वो लॉस्ट हो चुकी है उनकी जो पॉपुलेशन है, तो ये लगभग खत्म होने की कगार पर, एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो देखो यहीं से न्यूज से हमें यहां से अगर नीचे आए तो इसका एक हमें क्या मिल रहा है जूलॉजिकल नेम, ठीक है, तो इसका जूलॉजिकल नेम जो है वो क्या है पैंथेरा, ठीक है, पर्डस, पैंथेरा पर्डस, हाँ, ये इसका जूलॉजिकल नेम हो गया, ठीक है। तो अगर इस पूरी न्यूज को हम देखते हैं तो इस पूरी न्यूज में ये कहा गया है कि जैसे हमने क्या शुरू किया था प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, वैसे ही हमें अब प्रोजेक्ट लेपर्ड भी शुरू करना पड़ेगा, वरना ये एक्सटिंक्ट होने में 2-3 साल के अंदर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वजह इसकी बता रहे हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ जो ह्यूमन पॉपुलेशन का प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भाई पहले आपके ये सिटी हुआ करती थी और इसके आसपास क्या हुआ करते थे जंगल हुआ करते थे, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं उन जंगलों को काटते जा रहे हैं और इस सिटी का एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, और जंगलों के कटने से वहां पे शिकार कम हो रहे हैं और लेपर्ड्स जो रहे हैं वो कहां आ रहे हैं सिटी के अंदर आ रहे हैं। देयर इज अ इंट्रैक्शन ऑकर्ड बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड लेपर्ड्स, उनकी पॉपुलेशन खत्म होनी होनी है। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं। चलो भाई अगला ये रहा आपका साइबर, ये खबर कहां की हम कह सकते हैं साइबर क्राइम को लेकर कह सकते हैं, साइबर क्राइम के कॉन्सेप्ट वाले है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट से भी ये खबर आपकी हो सकती है जो न्यूज है। क्रेडिट डेबिट कार्ड डिटेल्स, ये लिखा हुआ है क्रेडिट डेबिट कार्ड डिटेल्स ऑफ 4 लाख इंडियंस अप फॉर सेल, ये बहुत ही बड़ी बात है। कहां हम एक बिल आने जा रहे हैं क्या डाटा सिक्योरिटी बिल, ठीक है, डाटा सिक्योरिटी एक बिल आने वाला है आपका भी, देखो ड्राफ्टिंग चल रहा है उसका, और जहां एक तरफ आपकी जो ये खबर है कि भाई आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है वो लगभग सेल पे इंटरनेट पे इलीगल तरीके से, ठीक है, तो डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है ये डाटा सिक्योरिटी एक्ट है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे आगे चल के, आप लोग भी सर्च करना है इसके बारे में, न्यूज में आ सकता है। अच्छा अगला न्यूज में आपका ये रहा, ये आपका इकोनॉमिक्स वाली न्यूज से है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है, आपका जो स्टील प्राइजेस है, ठीक है, वो लगातार आपके डाउन जा रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना कोई डिमांड हो ही नहीं रही है, ठीक, क्योंकि जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई भी क्या होगी नीचे घटेगी, और जब डिमांड कम होगी तो उसके प्राइसेस भी क्या होंगे आपके नीचे आएंगे, तो ये शो कर रहा है कि हमारे यहाँ बहुत बुरी तरीके से क्या है इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है जो अभी दिख नहीं रहा है हम लोग को। अब इसी से रिलेटेड एक अगली न्यूज है, अगर आप देखो हमारे यहाँ जो सीमेंट की डिमांड है, ठीक है, सीमेंट की डिमांड भी क्या हो रही है लो जा रही है, ठीक है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारे प्रोजेक्ट क्या हो रहे हैं डंप पड़ रहे हैं, ये भी शो करता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट आपका जीडीपी ओवरऑल क्या हो रही है बहुत नीचे जा रही है। अगला लेते हैं न्यूज का, अभी जो हमारा बजट जो है प्रेजेंट किया आपकी निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, और जो आपका न्यू जो आपका क्या आया है टैक्स स्लैब आया है उसमें इनको उम्मीद है कि लगभग 80% जो नए टैक्स पेयर है वो इससे जुड़ेंगे, तो इससे क्या होगा जो सरकार की रेवेन्यू होगा जो सरकार का रेवेन्यू होगा वो पूरे बढ़ने के चांसेस है। अब देखते हैं इनका ये एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल रहता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग, ठीक है भाई। कोरोना वायरस का एक और सीवियर इफेक्ट क्या दिखा, ये एक 5-स्टार आपका वो है क्रूज है जापान के सी में ये चल रहा था, और उसमें लगभग अगर आप न्यूज में देखो 61 जो पैसेंजर थे दे आर अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस, ठीक है, और लगभग इस पूरी शिप में 300-350 जो है पैसेंजर्स हैं। अभी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल क्या किया है इन्होंने शिप को ही डिपो कर दिया है, मतलब एक तरीके से बैन कर दिया कि कोई पैसेंजर वहां से बाहर नहीं निकलेगा, सबको उनके जो भी सो कॉल्ड उनके जो चैम्बर्स होते हैं उन्हीं के अंदर रखा गया है, और जो 61 अफेक्टेड लोग हैं उनको शिफ्ट कर रहे हैं ये कहां
हॉस्पिटल में। अब देखो हमारे एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो क्रूज है उसका नाम क्या है। तो देखो इसका क्रूज का नाम क्या है, आपको दिख ही रहा होगा, डायमंड प्रिंसेस, ठीक है, डायमंड प्रिंसेस। तो एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है। इसी क्रूज में 61 पैसेंजर मिले थे और यहां लगभग इस क्रूज में अभी भी 200 जो है आपके इंडियन टूरिस्ट है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। चलो अगला न्यूज में ये रहा, वाई कैंसर जीन मैप मैटर्स। देखो अब इतना हमें डिटेल नहीं पढ़ना, बस हमें यहां से क्या होकर एक न्यूज मिल गया साइंस एंड टेक या बायोलॉजी के पार्ट से, व्हाट इज जीन मैपिंग। ये मैं अपने और भी वीडियो में बता ही चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें मेरा वीडियो आप सर्च करना, व्हाट इज जीन मैपिंग, है ना। ये आपका मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हमने, ठीक है, तो जैसा कि अभी रूमर भी चल रहा है कि भाई जो LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक, जो कि पब्लिक सेक्टर यानी कि जो इंडियन की, इंडियन गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, इट इज द पार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, उसका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो उसका नेक्स्ट ईयर क्या लेके आ रहा है, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक। अब अभी इसकी जो 100% जो शेयरिंग है वो इस समय किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, ठीक। अब ये देखना है कि इस 100% शेयरिंग में, इस 100% शेयरिंग में वो कितने परसेंट का IPO निकालता है। तो अभी जो हम लोग के पास न्यूज है जो पढ़ रहे हैं हम लोग, लगभग 10% का वो IPO निकालेगा, यानी कि 90% शेयर गवर्नमेंट के पास रहेंगे और 10% इसका कह सकते हो कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। और वजह यह है कि भाई आपकी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, दे नीड वॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, क्योंकि ढेर सारी स्कीम चला रखी है, उतना रेवेन्यू आ नहीं रहा है। तो अब गवर्नमेंट जो है एक एक करके जो भी उनके कह सकते हो क्या जो मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक कंपनीज हैं, ठीक है, पब्लिक कंपनीज जो हैं जिनमें पूरा गवर्नमेंट का क्या है शेयरिंग है, उसका वो थोड़ा थोड़ा क्या बचेगा, जो शेयर है वो बेचना शुरू करेगा, जिससे गवर्नमेंट की क्या हो, इनकम हो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें एक तो ये हो रहा है, दूसरा इसी में, इस न्यूज में क्या है कि LIC जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी परचेस करेगा, ठीक है, क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गोइंग टू परचेस, ठीक है, इससे गवर्नमेंट को और आमदनी होगी, ठीक है। तो आपके लिए एक असाइनमेंट ये है, देखो मैंने अपने और वीडियोस में बना रखा है, मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस मेरी कोचिंग सेंटर में होती है, मैं वहां बहुत डिटेल में पढ़ाता भी हूं। अब यहां पर आपको सर्च क्या करना है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, ठीक है, ये भी एक जरिया है गवर्नमेंट की कमाई का। चलो अगला बढ़ते हैं, ये अगर आप न्यूज आराम से पढ़ पा रहे हो हिंदी में, आपका जो ये करतारपुर है पाकिस्तान में, जो कि अभी ओपन हुआ है आपका, और हमारे जितने सिख श्रद्धालु हैं वहां पर जाएंगे, क्योंकि यहां माना जाता है कि गुरु नानक जी ने जो है, गुरु नानक देव जी ने जो है अपने आखिरी के 18 ईयर्स जो है वो गुरु नानक जी ने यहीं भी बताए थे, ठीक। और ये जो आपका स्थल है वो रावी नदी किनारे है, ठीक है। अभी तो हमें यहां से 3 क्वेश्चन मिल गए, करतारपुर हो गया, गुरु नानक जी हो गया, और लास्ट के 18 ईयर्स इन्होंने यहां पे बिताए थे। दूसरा ये क्वेश्चन क्यों, ये न्यूज में क्यों रहा, और देखो लिखा भी गया पाक का नया पैतरा। पैतरा ये है कि पाकिस्तान ने अभी ये बोला है कि जितने भी आपके वो हैं सिख फॉलोवर्स या जो भी आना चाहते हैं करतारपुर, वो विदाउट पासपोर्ट भी अब यहां आ सकते हैं, वो प्रपोज कर रहा है इस चीज को, आ सकते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या इसकी आगे वो चाल रहती है, लेकिन हमारे लिए जो क्वेश्चन के लिए हमें मिला डाटा वो मिल गया कि करतारपुर, गुरु नानक जी और 18 डेज अपने लास्ट के इन्होंने किए थे। तो इसमें मुझे लगता है कि आपके IAS 2020 या UPPCS 2020 या आपका CDS या आपका AC, इनमें कोई क्वेश्चन जो आपके क्या है 10 सिख गुरु हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्लीज इसको जरा 10 सिख गुरु के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। चलो स्टूडेंट, तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में 9 फरवरी के न्यूज के साथ।